ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जी के आर्ट के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो छात्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल वंश की शुरुआत के तीन राजाओं अकबर, हुमायूं और साथ ही साथ बाबर, इन तीनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और इन तीनों पर चर्चा के अलावे तीनों से संबंधित एक IQ टेस्ट लेवल का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था। मुझे उम्मीद है कि वो सब आप वीडियो ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि उसमें मैंने आने वाले संभावित प्रश्न इन तीनों राजाओं से जो बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को एक तरह से समाहित करने का उसमें प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप उस वीडियो से लाभ उठाए होंगे। तो आज हम शुरुआत के तीन मुगल राजाओं से आगे बढ़ेंगे और आज हमारी चर्चा होगी मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल भारत पर शुरू होता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। भारत की गद्दी पर जहांगीर शासन किया था 1605 से 1627 तक। अगर हम जहांगीर के राज्याभिषेक की बात करें तो जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर के मृत्यु के बाद होता है 28 अक्टूबर 1605 को आगरा में। जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। जहांगीर के यदि हम जन्म की बात करें तो जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में, उनकी कुटिया में। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि 1562 में अकबर की शादी जोधाबाई से हुई थी, लेकिन 1568 तक जोधाबाई से कोई भी संतान जब उत्पन्न नहीं हुई तब अकबर को अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती की याद आती है जो फतेहपुर सीकरी में रहते हैं, और तब वह गुरु के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं को जब बताते हैं तो गुरु ज्ञान पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने पुत्र का नाम भी इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही सलीम रखा था। ये वही सलीम है जो आगे चलकर इतिहास प्रसिद्ध सम्राट बना है जहांगीर, जिन्हें अकबर प्रेम से शेखू बाबा कह के बुलाया करते थे। तो जहांगीर के पिता थे अकबर और माता मरियम उजमानी या जोधाबाई, या इन्हीं को हरखाबाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जहांगीर के सम्राट बनने से पहले की थोड़ी सी बातों की जानकारी को हासिल करें तो मालूम चलेगा कि अकबर के तीन पुत्र थे, जिन तीन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था मुराद, दूसरे नंबर पर था दानियाल और तीसरे नंबर पर पुत्र था सलीम। लेकिन उल्लेख मिलता है कि मुराद और दानियाल युवा अवस्था में ही अत्यधिक शराब पीने के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अकबर के लिए एक ही पुत्र बचा था सलीम, जो युवराज के पद पर कायम था, और इस सलीम को जब ये मात्र 10 साल की अवस्था का ही था तो इसको दरबार में अपने से दोगुनी उम्र की पासवान लड़की अनारकली से प्रेम हो जाता है। 24 घंटा में 18 घंटे का समय सलीम का अनारकली के साथ ही गुजरता है। और चूंकि युवराज पद पर ये कायम है, अकबर को अपने दरबारी कार्यों को करने के लिए युवराज की हजारों बार आवश्यकता पड़ती है। हमेशा अकबर आवाज लगाते रहे, सलीम सलीम सलीम, सलीम के बारे में पता करो भाई सलीम कहाँ है। जो भी पता करने के लिए बाहर जाता कि क्या आपने सलीम को देखा क्या, तो सामने वाला बोलता कि आप सलीम को खोज रहे हैं। हाँ, मैं सलीम को खोज रहा हूँ। तो ऐसा करो, पहले अनारकली को खोजो, जहाँ अनारकली मिलेगी वहीं सलीम मिलेंगे। तो इस तरह से सलीम अनारकली के साथ रहता था। 5-6 घंटे अगर सोने के वक्त को इनको हटा दिया जाए तो पूरा वक्त इनका अनारकली के साथ ही गुजरता था। सलीम के इन्हीं आदतों से अकबर काफ़ी परेशान हो गया था, और परेशान होकर एक दिन सलीम को अपने शयन कक्ष में बुलाकर समझाता है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये ऐसा चीज़ है जो करता है वही पछताता है, जो नहीं करता है वो भी पछताता है। मैं भी 2 वर्ष पेटीकोट शासन में रहा था, आपको याद होगा मैंने बताया था अकबर के शासनकाल के 2 वर्ष 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक के समय को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन 2 सालों में अकबर जो है 1 लाख हरम के स्त्रियों के बीच रहा था। तो यही बात वह सलीम को समझाता है कि देख बेटा सलीम, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, और ये ऐसा चीज़ है जो कर लेता है वही पछताता है, जो नहीं करता है वो पछताता है। तब सलीम कहता है कि अच्छा बापू,
आप करके पछता रहे और मैं बिना किए ही पछताऊं, अगर पछतानी हो तो मैं भी करके ही पछताऊंगा। तो सलीम के ऊपर अकबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब एक दिन अकबर अनारकली को अपने दरबार में बुलाते हैं और अनारकली को बुलाकर भरे दरबार में उसकी बेइज्जती करते हैं। इस अपमान से अनारकली इतनी आहत हो जाती है कि वह फारस चली जाती है और फारस में जाकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उल्लेख मिलता है कि जब सलीम सम्राट बनता है तो सम्राट बनने के बाद 1615 ईस्वी में अनारकली का मकबरा लाहौर में बनवाता है और उस मकबरे पर स्वयं अपनी हाथों से लिखता है कि काश मेरे पड़े सिक्के एक बार फिर से मैं दर्शन कर पाता तो कयामत के दिन तक खुदा का शुक्र गुजार रखता। इतना प्रेम करता था वह अनारकली से। अब अनारकली सलीम के जीवन से चली गई और सलीम रहता है काफ़ी उदास। तो सलीम अनारकली के ऑप्शन को पूरा करना चाहता है और इस ऑप्शन को पूरा करने के लिए सलीम ने अपने जीवन में कुल 27 शादियां की थी। अगर हम सलीम के शादियों के बारे में बात करें तो सलीम की कुछ प्रमुख शादियों पर आइए हम चर्चा करते हैं। सलीम की जो प्रमुख शादी है उसमें पहली शादी आमेर के मानबाई से हुई थी। ये सलीम की पहली वाइफ थी मानबाई, जिसे दरबार में शाही बेगम के नाम से भी जाना गया है। सलीम की दूसरी शादी जोधपुर की रानी जोधा दे से हुई थी। जोधा दी जोधपुर की रानी होने के चलते इन्हें जोधा दी नाम दिया गया था। इन्हें दरबार में जगत गोसाई के नाम से जाना गया। ये मुगल इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर हम बात करें इनकी एक मुस्लिम रखैल भी थी जिनका नाम था रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम इसके अलावा एक और थी सलमा बानो। तो ये जहांगीर की चार प्रमुख रानियां थी। और अगर इन चार प्रमुख रानियों से पुत्रों की बात करें तो जहांगीर के इन चार रानियों से जो चार पुत्र हुए थे उसमें देखिए कौन कौन है। मानबाई से पुत्र हुआ था खुसरो। जोधा दे जगत गोसाई से इनको पुत्र हुआ था खुर्रम। रुखसाना बेगम से इनको पुत्र हुआ था सहरयार और सलमा बानो से इनको पुत्र हुआ था परवेज। तो ये चार पुत्र सलीम के थे, जहांगीर के थे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की कहानी। जब सलीम राजा बनने को होता है, जब उसका राज्याभिषेक का समय आता है तो उल्लेख मिलता है कि जहांगीर के राज्याभिषेक के समय उसका बड़ा पुत्र खुसरो अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर देता है। क्यों हुआ था ये बगावत, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस समय जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था उस वक्त जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो का उम्र 20 वर्ष हो गया था। तो खुसरो को एक बात का टेंशन हो जाता है। अकबर के शासनकाल के बारे में अगर बात करें तो हम बताए थे कि अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू हुआ था जो 1605 तक चला था। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि अकबर का शासनकाल 49 वर्ष कुछ महीना कुछ दिन चला था। राउंड फिगर में हम इनको ले लें तो लगभग हम इसको 50 साल मानेंगे। तो 50 साल तक अकबर शासन किया था। अब खुसरो को क्या लगा कि जहांगीर का राज्याभिषेक होने वाला है, 50 साल तक मेरे दादाजी शासन कर चुके और अगर मेरे पिता भी 50 साल शासन कहीं कर लिए तो इसमें 50 जोड़ दीजिए, अगर इसमें 50 जोड़ देंगे तो उम्र हो जाएगा 70 वर्ष। खुसरो को इस बात का टेंशन हो गया कि हो सकता है कि मैं इतने दिन तक पकू ही नहीं, इसके पहले ही कहीं टपक जाऊं, या अगर मैं बच भी गया तो 70 साल की उम्र में मैं राजा बनकर क्या करूंगा, क्या कर पाऊंगा,
इसलिए वह बोला कि मेरे पास भी ऐसा उम्र इतना हो चुका है कि मैं भी राजा बनने के काबिल हो चुका हूं, इसलिए अब जहांगीर को राजा न बनाया जाए, दादा के बाद सीधे मेरा राज्याभिषेक कराया जाए। इसलिए खुसरो अपने पिता के खिलाफ बगावत करता है। जहांगीर भी पड़ जाता है टेंशन में। वह कहता है कि एक तो बाप के मैं मरने का 40 वर्षों तक इंतजार किया, और ये मरा नहीं कि मेरे राजा बनने से पहले ही तो मेरा दुश्मन तैयार हो गया। इस तरह से जहांगीर और खुसरो के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। जहांगीर के पुत्र खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में खुसरो का साथ देते हैं सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? अर्जुन देव। इस अर्जुन देव ने उत्तराधिकार के युद्ध में खुसरो का साथ दिया था। यह युद्ध खुसरो और जहांगीर के बीच होता है भैरावल नामक स्थान पर। ये भैरावल जो है पंजाब के जालंधर में स्थित है। तो भैरावल नामक स्थान पर ये 1605 में जहांगीर और खुसरो के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इस युद्ध में जहांगीर बुरी तरह से खुसरो को पराजित करता है, और पराजित करते हुए उसे अंधा करवा के जेल में डलवा देता है। और इसी खुसरो की हत्या जेल में ही आगे चलकर खुर्रम ने 1622 ईस्वी में कर दी थी। इस तरह से बड़े पुत्र का काम समाप्त हो गया। तब जो है जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, और इस सिखों के पांचवें गुरु के द्वारा खुसरो की सहायता देने के चलते जहांगीर हो जाता है इनसे नाराज, और इन्हीं से नाराज होकर जहांगीर ने ही सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। इस बात के बारे में आप सुने होंगे, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सिखों के पांचवें गुरु की हत्या किसने की थी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? जहांगीर ने। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अगर यह पूछे कि सिखों के पांचवें गुरु की हत्या जो है जहांगीर ने क्यों की थी, तो आपका जवाब होगा उत्तराधिकार के युद्ध में जहांगीर के पुत्र खुसरो का साथ दिया था अपने पिता के खिलाफ ही बगावत करने के लिए किसने? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। तो अब आइए थोड़ा सा हम आगे की बात सोचते हैं। तो ये तो खैर जहांगीर के राजा बनने के समय की बातें हैं। राजा तो खैर बन गया। अगर हम इस जहांगीर के गुण और अवगुण को देखें कि जहांगीर में कौन से गुण थे और कौन से अवगुण थे, तो इनके बारे में दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जहांगीर के बारे में जो दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उसमें एक बात है जहांगीर का अत्यधिक शराब का सेवन करना, यानी बहुत बड़ा यह शराबी था। दिन भर शराब की लत में ही रहा करता था। इनकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर इनकी पहली पत्नी मानबाई 1608 में आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जहांगीर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक इनकी बहुत ही बुरी आदत थी। लेकिन अगर हम जहांगीर के दूसरे पक्ष की बात करें, तो जहांगीर के बारे में जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि यह काफ़ी न्यायप्रिय शासक था। और न्यायप्रिय शासक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जहांगीर ने अपने आगरा के किले की दीवार से एक 60 घंटियों के समूह वाला एक न्याय की जंजीर लगाया था। जिस शयन कक्ष में वह रहता था, उस शयन कक्ष में 60 घंटियों की एक समूह वाला बड़ा जंजीर लगवाता है, और उस जंजीर को आगरा के किले की दीवार से बाहर की ओर लटका देता है, और यह कहता है कि अगर किसी को आगरा में मेरे से कोई भी न्याय चाहिए, तो वह आकर इस न्याय की जंजीर को बजाएगा, और जैसे ही मैं इसे न्याय की जंजीर को सुनूंगा, मैं खुद बाहर आकर अपने माध्यम से मैं न्याय करूंगा। तो बहुत ही न्यायपूर्ण शासक था जहांगीर, और इसीलिए कहता है कि मुगल काल के इतिहासों में अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध रहा है कौन? जहांगीर। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि प्रसिद्ध न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी, तो न्याय की जंजीर बनवाया था कौन? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाया था।
और ये न्याय की जो जंजीर है उसने कहाँ लटकाया था, तो आगरे के किले के बाहरी दीवार से, और उसको जो है अपने शयन कक्ष में स्थापित करवाया था। अब देखिए क्या है, उस समय की अगर बात करें तो उस समय जितने भी न्याय करने वाले लोग थे वो सब काजी थे जो मुस्लिम थे। जहांगीर को लगता है कि अगर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो निश्चित है कि इस विवाद का समाधान के लिए ये काजी के पास पहुंचेंगे, और काजी मुस्लिम था। तो जहांगीर को इस बात का अंदेशा था कि हो सकता है कि ये काजी हिंदुओं के पक्ष में फैसला ना सुनाए, मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुना दे। इसलिए इस न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जहांगीर ने अपने शासन काल में एक हिंदू न्यायाधीश की भी इन्होंने नियुक्ति की थी, जिस हिंदू न्यायाधीश का नाम था श्रीकांत। तो श्रीकांत नामक हिंदू न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है कौन, जहांगीर। इसी जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि इसने प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए 12 प्रकार की घोषणाएं की थी। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए इसने 12 प्रकार की घोषणाएं की थी, और 12 प्रकार की जो इनकी घोषणा थी वही घोषणा कहलाता है आईने जहांगीरी, आईने जहांगीरी। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या आईने जहांगीरी यह कोई किताब का नाम है? जी नहीं, यह किताब का नाम नहीं है। यह जो है प्रशासनिक व्यवस्था को चलवाने के लिए सिर्फ 12 प्रकार की घोषणाएं हैं, जिस घोषणाओं के माध्यम से यह बेहतर शासन व्यवस्था को संचालित करता था। इसी 12 प्रकार की घोषणाओं का नाम दिया गया था आईने जहांगीरी। अब सुनिए थोड़ा सा आगे की कहानी। आगे की कहानी यह है कि जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर एक बहुत ही असहिष्णु शासक था, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जहांगीर के जीवन को पढ़ने के बाद कि जहांगीर कहीं कहीं पर असहिष्णुता का परिचय दिया था, लेकिन कहीं कहीं पर उसने सहिष्णुता का परिचय भी दिया था। अगर हम जहांगीर के असहिष्णुता के परिचय के बारे में देखें तो उल्लेख मिलता है कि कांगड़ा दुर्ग को जीतते समय इस जहांगीर के द्वारा बहुत अधिक संख्या में गाय की बलि दी गई थी, यह इनके असहिष्णुता को दिखाता है। लेकिन अगर हम इनके सहिष्णु नीतियों की तरफ देखें तो मालूम चलेगा कि हिंदुओं के लिए इसने 1611 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की छूट दी थी। तो रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने की छूट देने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो ये था जहांगीर। इसके साथ साथ इसी जहांगीर ने हिंदुओं को दीपावली के दिन जुआ खेलने की भी छूट दी थी। दीपावली की रात जुआ खेलने की छूट देने वाला सम्राट भी कौन था, तो ये सम्राट था जहांगीर। इस तरह से हम बात करें तो जहांगीर जो है कुछ अपने कार्यों को लेकर इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, जैसे न्याय व्यवस्थाओं को लेकर। कुछ असहिष्णुता वाला कार्य इनका था, लेकिन अधिकांश ऐसे भी कार्य थे जो सहिष्णुता को दिखाता था। अब देखिए आगे की बात, अगर हम जहांगीर के कुछ और भी बातों का जिक्र करें तो मालूम चलेगा इसी जहांगीर के शासनकाल में यूरोप का एक व्यापारी आता है, जिस व्यापारी का नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है कि ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो आपका नाम याद रखेंगे क्या, कैप्टन हॉकिंस, जो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और यह कब आया था, तो 1608 में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आया था, और इसलिए आया था कि भारत में व्यापार करने की उसे अनुमति दी जाए। लेकिन जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उसे 400 का मनसब प्रदान किया था, 400 का मनसब प्रदान किया था। इस तरह से आपसे एक और क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि भारत में मुगल साम्राज्य में मनसब प्रदान प्राप्त करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, कैप्टन हॉकिंस। मनसब प्राप्त करने वाला पहला जो है ये विदेशी कौन रहा, कैप्टन हॉकिंस रहा, जो जहांगीर के दरबार में 1600
1608 ईस्वी में आया था। इसके बाद जो है एक और अंग्रेज आता है, वो भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही भेजा जाता है, और उसको भी भारत में आने का उद्देश्य यही था कि इस बार कम से कम जाकर वह भारत में व्यापार करने की अनुमति मुगल साम्राज्य से प्राप्त कर सके। और इस बार जो ब्रिटिश व्यक्ति आया था भारत में, उसका नाम था सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आता है 1615 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में, और यह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। यानी इसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। इस तरह से हम कहेंगे कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला विदेशी कौन था, तो सर टॉमस रॉ था। इनको व्यापार करने की अनुमति मिली और ये 10 जनवरी 1616 को यह टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात जाकर किया था अजमेर में। ये अजमेर में जाकर इनसे मिला था 1605 में। इसी जहांगीर के द्वारा मेवाड़ के शासक अमर सिंह को एक संदेश भेजा गया। मेवाड़ के शासक अमर सिंह के पास एक संदेश भेजा गया कि वह संधि शर्तों को स्वीकार कर ले, मुगल साम्राज्य के अधीन रहे, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहेगी। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि संधि शर्तों को स्वीकार करने के लिए मुगल दरबार में मेवाड़ के शासक अमर सिंह तो नहीं गए थे, लेकिन अमर सिंह का पुत्र गया था कर्ण सिंह। अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह गया था, और जो बातें कर्ण सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी, यह बात भी आपको अजमेर में ही हुआ था, क्योंकि जहांगीर 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक ये 3 वर्षों तक रहा था अजमेर में। यही कारण है कि इसी अजमेर में मेवाड़ के राजा अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर के बीच समझौता होता है। इसी जो है 1616 में अजमेर में जाकर सर टॉमस रो भी इनसे मिला था। 3 वर्ष इनका वहीं पर गुजरा था। तो कर्ण सिंह जो जहांगीर से संधि करता है, उसमें कौन सी संधि की बातें होती हैं? कर्ण सिंह कहता है कि मेवाड़ महाराणा कभी भी मुगलों के दरबार में अपनी हाजिरी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग राणा प्रताप के वंशज हैं, और राणा प्रताप के वंशज होने के चलते कभी भी ये मेवाड़ का जो राजा होगा वह अपनी पगड़ी को मुगलों के दरबार में नहीं झुकाएगा। याद रखिएगा, संधि शर्तों को करने के लिए अमर सिंह नहीं गया था, बल्कि अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह गया था मुगल दरबार में यहां पर संधि करने के लिए, और ये इनसे जाकर कहां मिला था, अजमेर में। तो पहला शर्त तो यही था। दूसरा शर्त ये था कि कभी भी मेवाड़ के लड़कियां मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित नहीं करेंगे। जहांगीर यहां पर कहता है कि हमें इसका कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी मेरे पास 27 है, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें तय हुई। लेकिन तब यहाँ पर जहांगीर कहता है कि मेवाड़ के तो राजा आए नहीं, जब राजा ही नहीं आए तो फिर संधि किस बात का है, संधि को हम कैसे स्वीकार कर लें। तब यहाँ पर कर्ण सिंह कहते हैं कि मैं यहाँ पर मुगलों के दरबार में अपनी दरबारी सेवाओं को दूंगा, लेकिन कभी भी वहाँ के राजा जो हैं वो अपनी पगड़ी झुकाने के लिए कभी भी मुगलों के पास नहीं पहुँचेंगे। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी मेवाड़ की, अमर सिंह, कर्ण सिंह और साथ ही साथ जहांगीर से संबंधित। अब थोड़ा सा सुनते हैं और आगे की कहानी। यदि जहांगीर की आगे की कहानी की बात करें, तो हम बता दें कि जहांगीर के राज्याभिषेक के समय एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। जहांगीर का एक सेनापति था, जिस सेनापति का नाम था अली कुली बेग। ये था जहांगीर का सेनापति, जिनको शेरे अफगान की उपाधि दिया गया था, शेरे अफगान की उपाधि भी दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कीजिए इस बात को, अफगान यानी मूलतः अली कुली बेग एक अफगानी था, और जहांगीर को इसी बात का टेंशन हो जाता है।
दादा मेरे अत्यधिक शराब पीते थे, मैं भी अत्यधिक शराब पीता हूँ, मैं भी दादा की बिल्कुल फोटोकॉपी हूँ। और मेरे दादा का भी एक अफगानी ही काम जचाया था, याद होगा आपको शेर खां, यह एक अफगानी ही था जो किस तरह से दिल्ली की गद्दी को छोड़ने पर इनको विवश कर देता है और इनको दिल्ली की गद्दी से बाहर भगा देता है। तो इनको लगा मेरे यहाँ भी एक अफगानी है, कहीं ऐसा ना हो कि कल के डेट में मेरा भी यह काम जचा दे। तब जो है ये जहांगीर एक षड्यंत्र करके 1605 ईस्वी में अली कुली बेग की हत्या करवा देता है, और हत्या करवा के अली कुली बेग की पत्नी मेहरुनिसा एवं इनकी एक पुत्री लाडली बानो को अपनी विधवा माता की सेवा में लगा देता है। ये आदेश जहांगीर देता है कि जो अली कुली बेग की पत्नी है मेहरुनिसा और लाडली बानो, उन दोनों को मेरे विधवा माता की सेवा में लगा दी जाए। तो इस प्रकार से दोनों ये सेवा में लग जाती हैं। एक दिन 1611 में ऐसे ही जहांगीर अपने माता का हालचाल जानने के लिए शयन कक्ष में पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो गेट के सामने से ही मेहरुनिसा को देखता है, और जब देखता है तो फिर देखते ही रह जाता है, आंखें इसकी फटी की फटी रह जाती। ये वहीं पर गाना गाने लगता है, मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र। माता पूछती है, ओए छोरे क्या हो गया तुझे? तो ये जहांगीर पूछता है, ये क्या हो रहा है माता? अरे तुम इसे नहीं जानते हो, ये वही है जिसे तुमने मेरे सेवा के लिए लगाया था, इसका नाम मेहरुनिसा है और ये इसके पुत्री लाडली बानो है। तो जहांगीर कहता है, माफ़ करना माता जी, गलती हो गई, ये यहाँ रखने के लायक नहीं थी, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो क्या होता है आगे चलकर, क्या इस मेहरुनिसा को आगे चलकर जहांगीर अपनी पत्नी बनाता है? क्या मेहरुनिसा जिनके पति अली कुली बेग की हत्या किया था जहांगीर, तो क्या ये मेहरुनिसा अपने पति की हत्या का बदला जहांगीर से लेगी? इस पूरे कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे इस धारावाहिक के अगले एपिसोड तक बने रहिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।